मैनेजमेंट के दस्ते के पीछे वर्पुल कर्दों से आगे बढ़ता अमनकोट सेंटर एवं स्कूल पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और राजपुताना रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड नेतृत्व राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र द्वार उनका साथ दे रहे हैं अमनकोट सेंटर एवं स्कूल के नायब रिसालदार मंटू मंडल पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र सिंह इस दस्ते में 96 शूरवीर संगीतकार शामिल जिंदगी में मुश्किलें तो सुर है लय है गीत है मान लो तो हार है ठान लो तो जीत है संयुक्त मिश्रित बैंड दस्ता असम रेजिमेंटल सेंटर महा रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का 78 संगीतज्ञ शामिल महा रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर दिग्गज सिंह और इनका साथ दे रहे हैं असम रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार संतोष कुमार पांडे ये बैंड वीर कारगिल की जोशी भी धुन बजा रहा है कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास होता आनंद ले इस सुरमई धुन का अगर कोई कहता है कि वह मरने से नहीं डरता वह या तो झूठ बोल रहा है या वह मूर्खा है अगला मार्चिंग दस्ता शानदार गोरखा ब्रिगेड के बहादुर गोरखाओं का है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 9वीं गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन के लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिंह सिकरवार गोरखा ब्रिगेड भारत और नेपाल के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है आदर्श वाक्य कांबर हुनो खंडा मुर्मू रामरो अर्थात गायकता के जीवन से और खुली युद्ध घोष जय महाकाली आयो गुरखाली भारत के आविष्कार की दिशा में पूर्व सैनिकों की
सैनिकों को संघर्ष की अग्नि में खुद को दबाकर राष्ट्र को सशक्त करने वाले अपने त्याग और तजुर्बों की रोशनी से हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। 75 वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों के अनुकरणीय योगदान को दर्शाती है झलकी। राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हमारे भूतपूर्व सैनिक रोल मॉडल बनकर समाज को प्रेरित कर रहे हैं। खेल, डिजिटल इंडिया, आधुनिक खेती जैसे रचनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। Here comes the Seahawks, Indian Navy.